हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेन के बारे में बताऊंगी। ये है सब पेन, आप लोग देख सकते हो। ये एनी लोकल स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा एंड ये बहुत चीप है, वन रुपीस और वन पेन शायद 2 रुपीस का ऐसे कुछ है। तो क्यों ये सब पेन, ये इसमें ये सब पेन से ब्लोटिंग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमेशा क्या क्या पेन स्केच में ऐसा कुछ मटेरियल्स नहीं है, जस्ट पेन चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए। जब भी पेन आपका ऐसे ब्लोटिंग हो तब उसको टिश्यू से आप इसका जो पेन का टिप है वो आप इस इधर पोंछ लो एंड देन फिर अगेन एंड तो ये थोड़े देर बाद ही करना होगा आप लोगों को। एंड पेन स्केच में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रेशर ऑन पेपर, क्योंकि आप लोग एक बार अगर मिस्टेक कर लोगे तो ये इरेज नहीं होगा। सो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत है इसमें, मतलब पेन स्केच में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब जितने प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को पेन, मतलब हाथ का फ्लो एंड पेन ये स्ट्रोक्स वगैरह सब कुछ आपका धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। तो मैं अभी इधर एक आप लोगों को एक नोज का ड्राइंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों को ये करना है। ठीक है, इस पेज में मैं ये मैंने जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ नोज का, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग पेन से हम लोग कैसे शेड करेंगे। पेन में एक बात, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये है कि पेंसिल जैसे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेंसिल चाहिए, वैरायटी टाइप का पेंसिल चाहिए, चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ज़्यादा डार्क करने के लिए बहुत, मतलब चारकोल का यूज़ फिर ग्रेफाइट में होता है। लेकिन पेन में क्या है, आप लोगों को कोई भी आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा पेन ज़रूरत नहीं है, 2-3-4 रखने से ही हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही है कि पेंसिल से आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। पेन से क्या है कि आपको, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये मैंने इतना ये हो गया एक नोज़ का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पेन से कैसे बन करेंगे, मैंने देखिए, मैं आप लोगों के सामने ये कर रही हूँ। मैं दोनों ही पेन यूज़ करूँगी, ये चीप वाला, ये आप लोगों को मालूम है, ये सब पेन कोई भी लोकल स्टोर में ये मिल जाता है, और ये है बिग पेन, ये भी ब्लोट, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है। तो आप लोगों को वही है कि बार बार आपको टिश्यू पेपर से इसका जो टिप है वो बार बार पोंछना है, नहीं तो एक बार ब्लॉट होने से आप लोग ड्राइंग, मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा, वही ध्यान रखना है। तो मैंने पहले इसको
स्ट्रोक एकदम हल्का होना है, प्रेशर बहुत कम। ये प्रैक्टिस से आप लोगों को हो जाएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ये इजी होता जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस से जिस तरह से मैंने अभी टिप को टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है, ऐसे आपको भी इसको क्लीन करना है टिश्यू पेपर से। थोड़ी देर बाद ही जो बिगिनिंग स्टेज बिगिनर है, तो आप लोग शुरू में जस्ट नोज आईज ड्राइंग से प्रैक्टिस करो। जब ये सब अच्छी तरह से आप लोग शेड कर पाओ या तभी जाके लाइक ईयर हो गया, माउथ हो गया, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद तभी जाके आप लोग फिर ये भी मैं दिखाऊंगी अपकमिंग वीडियोस में कि आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसे बनाना है विदाउट ग्रिड, विद ग्रिड, सब मैं दिखाऊंगी। और ये धीरे धीरे आपको शेडिंग धीरे धीरे आपको करना होगा, इसमें प्रेशर एकदम लेस प्रेशर होगा। आप हैंड का कंट्रोल पूरा होना है इसमें, क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक के साथ एक जगह के साथ दूसरे जगह का मैच नहीं करेगा, मतलब एक जगह पे ज़्यादा शेड हो जाएगा दूसरे जगह पे कम शेड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि पेन शेडिंग में बहुत अच्छा करे, तो ऐसे छोटा छोटा पीस लेके जैसे मैंने कहा है ऐसे प्रैक्टिस करने से कुछ दिन में आप लोगों का हाथ पूरा क्लियर हो जाएगा एंड वो फ्लो आ जाएगा आप लोगों के हाथ में। ये जो स्पीड अभी आप लोग देख रहे हो मेरे पेन स्केच में, ये स्पीड मेरा नहीं था शुरू शुरू में। मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा भी बहुत ज़्यादा गलती हुआ है, गलती सबका होता है। तो रुकना नहीं है आप लोगों को, करते जाना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे धीरे 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 आप लोगों को शेडिंग करना है।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे ड्राइंग करना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एडिटिंग करना, एडिटिंग में मुझे मतलब बहुत हार्ड लगता है। तो इसमें मतलब ये ड्राइंग करने के बाद उसको एडिटिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है ये सब। तो इससे मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी ये जो लाइन, जो पेन का, ये सॉरी पेंसिल का, तो मैं इसको इरेज करके अभी उस जगह पे धीरे से इसका शेड बढ़ा देती हूँ। मुझे ग्रुप्स में जब मैं पोस्ट करती हूँ तो मुझे हमेशा ये कमेंट बहुत, मतलब दो तीन जन ने मुझे कमेंट किया है कि चीप बॉल पेन से कैसे ड्राइंग क्या हो पाता है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग तो दूसरे लाइक बिग पेन वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में जो पेन है, सब कोई देख रहे उसी पेन से मैं आप लोगों को अभी शेडिंग करके दिखा रही हूँ। बॉल पेन चीप हो या बिग बॉल पेन हो या एक्सपेंसिव बॉल पेन हो, बात होनी है, बात है आपका स्किल। जैसे कि इसमें पेन का कोई ये नहीं है, ये टोटली है आपके हाथ का कंट्रोल कि आप कितना प्रेशर पेपर में डालते हो।
देखिए ये मैंने आप लोगों के सामने इस पेन से ड्राइंग किया है। मैंने इधर बिग पेन भी यूज़ नहीं किया है, सिंपल इस पेन से मैंने शेड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बात हुई है कि आप लोगों को एक तो है कि टिप को क्लीन करना है टिश्यू पेपर से कुछ देर बाद बाद ही। दूसरा है मेन इसमें जो है वो है आपके हाथ का कंट्रोल, कितना प्रेशर आप पेपर में देते हो वही इम्पोर्टेंट है। जब प्रैक्टिस करना हो तो बहुत बड़ा ड्राइंग मत ले लेना, लाइक छोटा सा एक ड्राइंग, एक आइस का ड्राइंग या तो एक नोज़ का, जैसे कि मैंने छोटा सा करके एक आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसे करके एक नोज़ का ड्राइंग लेके जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ऐसे आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। आप लोग एक टाइमर भी सेट कर सकते हो 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स में देखो आप लोग कैसे धीरे 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 करो, 10 मिनट्स हो गए ख़त्म हो जाता है देन आप लोग टाइमर का और बढ़ा दो। तो ये है मैंने पूरा, तो इधर बाकी है थोड़ा, लेकिन इतना तक इतना शेडिंग से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि देखिए ये मैंने शेडिंग किया है। इधर देखिए थोड़ा नहीं मैंने क्लीन किया टिश्यू पेपर से तो थोड़ा सा मेरा इंक इधर डब गया है। तो ये सब इसलिए हम लोगों को थोड़े बाद बाद ही टिश्यू पेपर से पेन का जो टिप है उसको क्लीन करना है। क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इसको इरेज नहीं कर पाओगे। ये पेंसिल नहीं है तो वही प्रॉब्लम है इसमें। ये हो गया तो चलिए आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आएगा।